सिर्फ एक ही चीज़ कही थी मेरे बाबा ने कि बड़ों से झुककर बात करो और सबको इक्वली ट्रीट करो, कल को तुम स्टार भी बन जाओ तो कभी इस बात का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए तुम्हें। ऑलवेज बी ग्राउंडेड, कभी अपने कल्चर और अपने रूट्स को मत भूलना, अपने घर पे जो तालीम दी है और जो सिखाया गया है उसको कभी मत भूलना। सो आई थिंक वो ऑन अ वेरी ह्यूमन लेवल उन्होंने काफ़ी सीख दी है और वो आपको एक्चुअली ज़िंदगी में काफ़ी आगे ले जाती है। एंड आई एम ग्लैड कि मेरे घर पे ऐसे लोग हैं जो मुझे ये तालीम और ये जो जिस तरीके से उन्होंने मुझे बड़ा किया है, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। सो आई थिंक या दैट इज़ द बेस्ट एडवाइस एक पेरेंट से या एक बेस्ट सीख एक पेरेंट से मिल सकती है जो आपको। एंटरिंग इनटू द इंडस्ट्री बहुत सारी चीजों के लिए माइंड सेट करना पड़ता जी है, चाहे वो कुछ भी हो। तो राइट, आप लोगों ने अपने माइंड को किस तरीके से सेट सेंटर किया? संदर्शन ने हमें एक चीज़ बताई थी कि अपने काम को बात करने दो। तो आई थिंक इस इंडस्ट्री में मेरी सबसे बड़ी जो मैं करना चाहती हूँ इसके लोग मुझे मेरे काम के लिए पहचाने, नॉट क्योंकि मैं अच्छे कपड़े पहनती हूँ या क्योंकि मैं एक फिजिक टाइप के जिम को जाती हूँ या फिर मैं एक क्या ये इवेंट अटेंड करती हूँ या वो। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे आके मेरी पिक्चर देखें। तो आई थिंक ये इंडस्ट्री से मेरे लिए यही मुझे यही अपने आप के लिए ये जगह ढूंढनी है ऑन सम लेवल। बट ऑल्सो पिक्चरों को पैसा भी कमाना पड़ता है वरना पिक्चरें बनती नहीं है आगे। तो ये सब आई थिंक सब कुछ एक पार्ट एंड पार्सल है, एक बैलेंस ढूंढना पड़ता है। एंड होपफुली मेरी करियर ग्राफ जिंदगी में मैं वो बैलेंस ढूंढ पाऊंगी एट सम पॉइंट। आप दोनों कितना जान पाए फिल्म के शूटिंग के दौरान एक दूसरे को? और हम एक दूसरे को पहले से पहले से जानते जानते हैं। थे, अच्छा, स्कूल में थे हम साथ, स्कूल में थे साथ में। या हाँ तो बॉन्ड और थोड़ा एक्स्ट्रा ऑफ स्ट्रॉन्ग हो कोर्स ऑफ गया। कोर्स आई एब्सोल्युटली थिंक एक अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरा रूप देखने मिला हमें एक दूसरे का, क्योंकि हमने एक दूसरे को एक काम के एनवायरनमेंट में, पहली हम स्कूल में थे साथ में, किसने सोचा था कि इवेंचुअली हम जिंदगी में काम करेंगे एक साथ। राइट, एंड एट द एंड ऑफ द डे हम जब हम हर पिक्चर एक दूसरे के साथ तो नहीं कर पाएंगे, तो आई थिंक हम एक आई थिंक एक बहुत लकी हूँ मैं कि मुझे मीसान को अपने काम के एनवायरनमेंट में पहली बार, जब हम पहली बार एक दूसरे को खुद को समझ रहे, एक राइट, दूसरे के साथ मौका करने को मौका मिला। सो इट वाज ग्रेट, या फील लाइक आई नो यू फॉर एवर नाउ एट दिस पॉइंट। सो मलाल के बारे में कुछ लास्टली जाते जाते बता दीजिए, गाइस जाके मलाल देखिए 5 जुलाई को, क्योंकि जो भी आपके ज़िंदगी में मायने रखता है, जिससे आप बहुत प्यार करते हो, वो आपकी ज़िंदगी में और भी मायने रखने लगेगा। और कभी भी उस प्यार में कोई भी मलाल रहने मत दीजिए। बिल्कुल, 5 जुलाई गाइस, अगले हफ्ते। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू। यू। ये भव्यांशु का कोई इधर आया है?